अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। तो आज मैं बना रही हूँ रसीली और शोरबेदार सोयाबीन की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं ये कितनी रसीली और कितनी जूसी जूसी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया और मैंने कैसे बनाया, तो बने रहे पूरे वीडियो में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। तो इसके लिए मैंने सोयाबीन ली हूँ, सोयाबीन है 150 ग्राम, और इसके साथ मैंने लिए 2 बड़ी प्याज। प्याज को मैंने ऐसे मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया है। दही ली हूँ 1 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम है, आप चाहे तो 1 कप ले लें। टमाटर 1 बड़ा सा, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक है 1.5 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 तेज़पत्ता है, 1 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, जावित्री का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची 8 से 10 है, लहसुन की कलियाँ, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। और हरी मिर्ची आप अपने तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है रिफाइंड तेल, आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको सोया भी बोलते हैं, न्यूट्रेला भी बोलते हैं और वड़ी भी बोलते हैं। तो अब इसके लिए लेंगे एक कोई भगोना, उसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा हम बढ़ा के ज़्यादा करके डालेंगे, पानी को गर्म होने देते हैं। और फिर इसी में, अब देखिए पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें जो सोया बड़ी है इसको हम इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद 1-2 बार इसे चला लेंगे, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे ही इसको पका लेंगे, जिससे सोयाबीन जो है ये पूरी अच्छी तरह गल जाएगी। तो चलिए एक बार और इसे चला लेते हैं, ताकि जो ऊपर है जो नहीं गल पाए हों वो उसको ऊपर से नीचे कर देते हैं। वापस से ढक देंगे, और ढकने के बाद अब देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। अब इसे वापस से खोल के देख लेते हैं, तो अब देख सकते हैं कि सोयाबीन जो है वो गल चुकी है अच्छी तरह। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप देख सकते हैं गल चुकी, अभी काफ़ी गर्म है। तो यहीं पे गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, और फिर इसे किसी छन्नी से या चमचे से ही इसे निकाल के किसी दूसरे प्लेट में रख लेते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से। और हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, जैसे कि ठंडे पानी में नहीं डालेंगे, अपने से ही ठंडा हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने इसे निकाल लिया, और ये अभी काफ़ी गर्म है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह ये गल भी चुका है। तो इसको एक साइड में करते हैं तब तक के लिए। अब चूल्हे पर रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बड़े चम्मच डालेंगे तो काफ़ी रहेगा। और तेल गर्म होने के बाद इसमें जो प्याज है वो डाल देंगे। हमें प्याज को एकदम गोल्डन नहीं करना है, ना ही इसको एकदम पकाना है, बस इसको हल्का सा सौते करेंगे, ताकि ये जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ जितने भी मसाले हैं खड़े, वो भी हम एक एक करके इसी में डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे अदरक का टुकड़ा, लहसुन, हरी मिर्च, 2 ही मैंने हरी मिर्च ली है, और इसमें दालचीनी के जितने टुकड़े थे वो, लौंग, इलायची, और इसी में डाल देंगे जीरा। अब इसको हम अच्छी तरह कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगातार इसे भूनते हुए इसी तरह चलाते रहेंगे, और गैस की फ्लेम को हम लो पे रखेंगे, लो से मीडियम के बीच में, ताकि ये नीचे से लगे ना। तो अब देखिए, अब ये जितना भी है प्याज, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये हल्का हल्का गलने जैसा भी लग रहा है। यहीं पर डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर को मैंने ऐसे मोटे मोटे काट लिए हैं। ये चलाते चलाते मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका, तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये हल्का हल्का सा भुनने जैसा लग रहा है। तो अभी यहीं पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आपको बनाने की जल्दी हो तो आप इसे पंखे के नीचे किसी बड़े प्लेट में करके रख देंगे, तो ये ज़्यादा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सोयाबीन ठंडी हुई कि नहीं। अभी ये हल्की हल्की गर्म है, तो इसके लिए लेंगे एक बाउल, और बाउल में इसे हाथ में लेंगे 2-4 वड़ी को, और अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ के इसे इसका पानी निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने सभी सोयाबीन को निचोड़ लिया है, और इसमें जो पहले पानी जो बचा था वो, और ये पानी आप फेंके नहीं, इससे आप आटा भी गूंथ सकते हैं, या सब्ज़ी वगैरह में जब ग्रेवी लगाएंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 बड़े चम्मच तेल, और अब गैस की फ्लेम को रखेंगे हाई पे,
और तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे जितने भी सोयाबीन है इनको डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं हो तो आप एल्युमिनियम की कढ़ाई हो तो उसमें भी आप लगातार चलाते रहें जिससे कि वो नीचे लगे ना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वही कढ़ाई ली थी जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन किया था, मतलब प्याज को मैंने सौते किया था, वही वाली कढ़ाई ली हूँ। तो अभी ये बड़ी लाल नहीं हुई है, अभी ये बस हल्की सी गोल्डन हो रही है। तो इसको हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सोयाबीन का कलर कैसा हो गया है और ये हल्का हल्का गोल्डन भी लग रहा है। तो यहीं पे हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे भी निकालने के बाद इसे भी किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ये जल्दी से ठंडा हो जाए, या फिर आप चाहें तो पंखे के नीचे इसे भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। तो इसी तरह जितनी भी बड़ी है सबको हम निकाल लेंगे और इसे देख सकते हैं कि इसका कलर मसाले से कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको ठंडे होने के लिए एक साइड में करते हैं और जो मैंने प्याज ली थी, जो कि सौते करके जो प्याज ली हूँ, उसके लिए लेंगे मिक्सी का जार। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी इसे पीस सकते हैं। तो जार में हम जितने भी ये जो लहसुन प्याज टमाटर वगैरह जो मैंने सौते किया था वो सब हम इसी में डाल देंगे और डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, क्योंकि हम पानी इस बार डाल रहे हैं तो फिर अब लास्ट में ही पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं चलेगा, पर ये 1/2 कप पानी इसके लिए काफ़ी है। तो अब इसे हम एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे और इसे एकदम बारीक पीसेंगे ताकि इसमें जो जीरा वगैरह है वो काफ़ी अच्छी तरह पीस जाए मसाले के जैसे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है और एकदम बारीक पीसा हुआ है। तो अब लेंगे सोयाबीन जो कि मैंने ठंडा करने के लिए रखा था, अब ये ठंडा हो चुका है, अभी हल्का हल्का गर्म ही है लेकिन इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और फिर इसके बाद जितने ये मैंने पेस्ट तैयार किए थे वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे 5 मिनट रखा था, ये ठंडा हो चुका, तो इसमें पेस्ट जितना भी तैयार है वो सब ऐड कर देंगे। और जो जार में लगा हुआ था मसाला उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और उसे भी खंगाल के इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर और यहीं पर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो जीरे के साथ ही मिर्च डाल के पीस सकते हैं। नमक लिया है 1.5 चम्मच के करीब, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, दही भी डाल दिया और इसके साथ भी थोड़ा सा खंगाल के पानी डाल दिया। जितने प्याले वगैरह में मसाले लगे थे मैंने सबको खंगाल के और दही के साथ इसमें ऐड कर दिया और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऊपर से नीचे तक, ताकि जितने भी मसाले दही वगैरह हैं सब सोयाबीन में अच्छी तरह मिल जाएँ। और इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 20 मिनट, अगर आपको जल्दी हो तो आप 15 मिनट भी रख सकते हैं। तो अब देखिए 20 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरह जितने भी हैं सब आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में इस टाइम हम डालेंगे कम से कम 2 बड़े चम्मच तेल। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 2 बड़े चम्मच सही है इसके लिए। तो मैंने जितने भी मसाले थे सबको तो मैंने उसी में प्याज के साथ ही उसका पेस्ट बना लिया था, तो बचे थे 2 तेज़पत्ते, तो ये मैंने तेल में डाल दिया और तेल को गैस की फ्लेम को लो पे करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें जितना भी ये सोयाबीन और बैटर था सब इसी में डाल देंगे और इसमें भी थोड़ा सा पानी खंगाल के मैंने डाल दिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी करते देखेंगे तो 1/4 कप पानी हो चुका है और इसको लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह ये चला लेंगे ताकि तेल वगैरह सब आपस में मिक्स हो जाए। और इसे कम से कम 5 मिनट तक के लिए इसे ढक के रख देंगे, लेकिन याद रखें गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। अगर आपके पास ये कढ़ाई नहीं है नॉनस्टिक वाली तो आप उसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि दही वगैरह है तो वो नीचे लगने का डर रहेगा। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है और 5 मिनट होने के बाद अब इसी में ऐड कर देंगे यहीं पे जो मैंने गरम मसाला लिया था वो। तो ये गरम मसाला मैंने मीट मसाला लिया है, आप चाहे तो कोई भी गरम मसाला ले लें वो आपके ऊपर है। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये पकने के बाद पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये मैंने 1/2 कप पानी लिया है, अगर आपको ग्रेवी से ज़्यादा चाहिए तो आप इससे पानी थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं।
तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को अभी भी लो पे ही रखेंगे। और बता रही हूँ, अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं हो तो आप लगातार चलाते रहें जब तक उसमें से ऑयल नहीं निकल जाता है। उसके बाद पानी डालने के बाद फिर आप उसे ढक के रखें तो सही रहेगा। तो अब देखिए 10 मिनट हो चुका है और ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह पक भी चुका है और इसकी जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी है और टेक्सचर भी इसका काफ़ी अच्छा है। यहीं पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए बस ढक के रख देंगे। ढक के रखने का मतलब ये है कि जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छी तरह इसमें रिलीज हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे डिस आउट कर लेते हैं और आप यहीं पे धनिया पत्ती ऐड कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि ब्लॉग भी ताबिदा इदरीसी के नाम से चलता है, तो वहाँ पे भी मेरा ब्लॉग बनता है। तो आप लोग को देखना हो तो आप लोग उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।